रोल। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है राम मोहन श्रीवास्तव, रामू दादा जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। आइए जानते हैं वो इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। भाई चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जमकर लड़ूंगा, और मेरा जो आज इतने लंबे सालों का इस शहर का करियर था, उस करियर में मुझे लगा कि जिस तरह मैंने लाखों लाखों रुपए की होल्डिंग, लाखों लाखों रुपए की रैलियां, मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे लगा कि हमारे देश में ईमानदारी और सड़कों पर लड़ा हुआ संघर्ष वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, और मेरी हिम्मत टूट गई। और मैं तो सोचा था कि 5 लाख रुपए में चुनाव लड़ लूँगा, मेरी इतनी हैसियत है, लेकिन मालूम हुआ कि 40 लाख रुपए की परमिशन तो चुनाव आयोग ने दे दी। मेरी भाई हिम्मत टूट गई। मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, इस माहौल में कोई ईमानदार आदमी तो चुनाव लड़ना तो दूर की बात रही, वो सोच नहीं सकता। इसलिए मैंने कदम उठाए कि मेरी ईमानदारी, मेरी सड़कों की लड़ाइयाँ, मेरे आंदोलन, ये वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्या लगता है पैसे के दम पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आज के दौर में जिस तरह हर पार्टी लाखों लाखों रुपए की होल्डिंग, इतनी बड़ी सड़कों पे गाड़ियों का रेला, बाप रे बाप, मेरे भाई मेरी हिम्मत टूट गई और मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। मैं बड़ा सामान्य आदमी हूँ, मेरा जीवन तो सड़कों पे आंदोलनों में बीता है, इसलिए मेरी हिम्मत टूट गई। और चुनाव वही लड़ सकता है जो इस देश में भ्रष्टाचार करके, समाज को लूट करके करोड़ों करोड़ खर्च किए, वही चुनाव लड़ सकता है। करोड़ों खर्च करके चुनाव लड़ेगा और लड़ने के बाद वो अपने करोड़ों को वसूलने के लिए जम के भ्रष्टाचार करेगा। ईमानदार आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राम मोहन श्रीवास्तव, रामू दादा, जिन्होंने अपनी बात रखी आर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से। आर एक्सप्रेस के लिए कुमार सिंह।